टू टाइम्स वर्ल्ड चैंपियन वेस्ट इंडीज का सफर वर्ल्ड कप में तमाम खत्म। टू टाइम चैंपियंस, एक दफा भी नहीं, टू टाइम चैंपियंस, गैंगनम स्टाइल करने वाली टीम वर्ल्ड कप जीतने के बाद उसको आज घर भेजने की पूरी तैयारी आयरलैंड करके आए। दिन तारीख में स्याह रूम में लिखा जाएगा कि पूरन की कप्तानी में वेस्ट इंडीज आउट हुआ। देखो, टू टाइम्स वेस्ट इंडीज वर्ल्ड चैंपियन थी और वो बाहर हो गई, लेकिन हकीकत बात ये है अली, ये तो सब कह रहे हैं कि टू टाइम्स वर्ल्ड चैंपियन वेस्ट इंडीज बाहर हो गई, लेकिन कोई ये नहीं कह रहा कि ये वो टीम नहीं है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल क्रिक बैट स्पॉट में स्वागत है। दोस्तों, आज एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। आज आयरलैंड ने वेस्ट इंडीज को बुरी तरह हरा के वेस्ट इंडीज को लीग स्टेज से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। दोस्तों, ये क्रिकेट जगत का पहला घटना है कि कोई चैंपियन टीम लीग स्टेज से बाहर होना पड़े। दोस्तों, इस बारे में पाकिस्तानी मीडिया क्या कहते जानते। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आ गए तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा, क्योंकि स्पोर्ट्स संबंधी ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो हम आपके पास लाते रहेंगे। दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। टू टाइम चैंपियंस, एक दफा भी नहीं, टू टाइम चैंपियंस, गैंगनम स्टाइल करने वाली टीम वर्ल्ड कप जीतने के बाद उसको आज घर भेजने की पूरी तैयारी आयरलैंड करके आए थे। वेस्ट इंडीज ने टॉस जीत के पहले बैटिंग का फैसला किया और शायद अब निकलस पूरन सोच रहे होंगे गलत फैसला किया, लेकिन जो पॉल स्टर्लिंग ने कर दिखाया, क्योंकि पॉल स्टर्लिंग को भी आज ही का दिन मिला था कि हाँ जी परफॉर्मेंस करनी थी तो आज ही के दिन करनी थी, जिस दिन वेस्ट इंडीज का हमने बोरिया बिस्तर पैक करके उनको कैरिबियन की फ्लाइट में बैठा के वापस हमने घर भेजना था। तो व्हाट अ ब्रिलियंट विन फ्रॉम टीम आयरलैंड। ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूं। वेस्ट इंडियन क्रिकेट वाज इन 1983 वर्ल्ड कप फाइनल व्हेन दे वर चेजिंग 183 इन 60 ओवर्स वर्ल्ड कप फाइनल अगेंस्ट टीम इंडिया। इसमें अगर किसी को तकलीफ है तो और तकलीफ मैं उसको दूंगा, क्योंकि उस वक्त रिजवान हैदर होल्डिंग सारे बड़े बड़े नाम थे, कोई एक बड़ा नाम मिसिंग नहीं था, चाहे वो क्लाइव लाइट है, होम्स है, रिचर्ड्स है, जितने बड़े नाम थे उस क्रिकेट में। कितनी बड़ी दुख की बात, हैट्स ऑफ टू आयरलैंड, बट बेशर्म है ये जो बेगैरत है, ये जो लीगों में दफा होते गए अपने मुल्क को यूं करके कमर दिखाई, आज ये जो सोना पहनते हैं ये पट्टा पहने, जिन्होंने अपने मुल्क को बदनाम किया। वेस्ट इंडीज को जो है वो आयरलैंड ने चिंता किया, वेस्ट इंडीज को आयरलैंड ने छुट्टी करा के कहा निकल मेरा पुत्र, छुट्टी कर और चल। देखो, टू टाइम्स वेस्ट इंडीज वर्ल्ड चैंपियन थी और वो बाहर होंगे, लेकिन हकीकत बात ये अली, ये तो सब कह रहे हैं कि टू टाइम्स वर्ल्ड चैंपियन वेस्ट इंडीज बाहर होगी, लेकिन कोई ये नहीं कह रहा कि ये वो टीम नहीं है, ये वो टीम नहीं है। इसमें ना रसल रखे, इन्होंने रखा गया, चलो वो तो रिटायर्ड हो गए काफी सारे प्लेयर्स, लेकिन जो अवेलेबल थे भी उनको भी रखा गया, ना नारायण टुप्पर ने गा दौड़ाई, ना रसल को रखा गया, और उसके बाद ये भी जो खिलाड़ी हैं, माफ कीजिएगा लेकिन इन खिलाड़ियों को भी लीग्स पे इंटरेस्ट है। हाँ, ये रोमन पाउल, पूरन, चूरन, चूरन जितने खिलाड़ी हैं, इन सबको जो इंटरेस्ट है वो लीग्स में, नहीं आप लीग्स खेलो और निकलो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, वेस्ट इंडीज को आपने आपने अपनी कौम को मायूस किया, अपनी कौम को लपेट दिया, आपको शर्म आनी चाहिए कि ये रसल्स, नारायण्स एंड फलाइंस एंड टिमकाइंस जाते हैं दुनिया की। मुझे कोई एतराज नहीं है, मैं हमेशा प्लेयर्स का एडवोकेट हूं, आपका हक के पैसे बनाए, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर कंट्री। आप पहले तो आते होते थे, वर्ल्ड कप खेलते थे, फिर इधर उधर चले जाते थे। आज का दिन तारीख में स्याह रूम में लिखा जाएगा कि पूरन की कप्तानी में वेस्ट इंडीज आउट हुआ। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय। टू टाइम्स वर्ल्ड चैंपियन वेस्ट इंडीज का सफर वर्ल्ड कप में तमाम खत्म, टाटा, बाय बाय। अभी वो मोबाइंगवा बहुत ही कमेंट्री कर रहा है, बहुत वेस्ट इंडीज के जख्मों पे नमक छिड़क रहा है, कह रहा है ओके इट्स इनफ, पैक योर बैग्स एंड गो होम नाउ बिकॉज दिस इज वॉट गुना हैपन। और 150 आराम सुकून से एक विकेट पे पूरा कर लिया है। पॉल स्टर्लिंग इज द गाय। देखिए, एक बड़ा मैच विनर आपके पास होता है, उसकी परफॉर्मेंस जो आए बड़े मैच में, तो फिर जाहिर है कि वो बड़ा खिलाड़ी है। इसलिए पॉल स्टर्लिंग काफ़ी अच्छे से रन्स कर रहा है पिछले काफ़ी अरसे से, जो कि बहुत ही शानदार बात है। उनके कैप्टन भी साथ, ये मसला ही नहीं था बैटिंग का इनका, कैप्टन बलबरेन वो भी बड़ा अच्छा खेल के गया, उसके बाद टकर ही वॉज रियली टू गुड टू। तो वेस्ट इंडीज को कोई ब्रीदिंग स्पेस मिला ही नहीं। और वेस्ट इंडीज की बैटिंग की हम बात करें तो देखिए, ये वही बात है कि ये क्वालिटी स्पिनर्स को खेल नहीं सकते।
और यह बात हमने टाइम एंड अगेन हमने कितनी बार यह कहा कि कोई भी अच्छा स्पिनर इनके सामने आ जाए ये जरा बेबस से हो जाते हैं। ओ भाई मारो मुझे मारो नहीं, मारो, नहीं, मारो, मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार मजाक हो रहा है।